नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल की फोटोज अपने कंप्यूटर में कैसे डाल सकते हो, कैसे भेज सकते हो, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हमने कैमरे से एक फोटो क्लिक करी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक डेटा केबल। तो हमारे पास ये डेटा केबल है, आप देख सकते हैं। तो जो चार्जिंग होती है जिससे, वही केबल है। इसका जो ये वाला हिस्सा है, आपको इसे लगा देना है अपने कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में। तो ये रहा हमारा यूएसबी पोर्ट, हम इसमें लगा देते हैं इसको ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। आपको भी लगा देना है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है, आपको इसे लगा देना है अपने मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट में, जहाँ से आप चार्जिंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपने फ़ोन का लॉक ओपन करिए। तो लॉक ओपन ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर ऊपर की तरफ से अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको यूज़ करें। यूएसबी चार्जिंग दिस डिवाइस, ट्रांसफ़र फाइल पे क्लिक करें। ये एमआई के मोबाइल में आता है ज़्यादातर। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो भी देख लीजिए, ये ज़रूरी है, तभी आप कर पाओगे। और यहाँ पे अगर आपके पास वीवो का मोबाइल है तो किसी किसी वीवो के मोबाइल में डायरेक्ट हो जाता है। फिर आपको आना है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दिस पीसी मिलेगा, तो इसे ओपन करें। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला डब्बा मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ये मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर है, आपका अलग होगा मॉडल नंबर। इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंटरनल स्टोरेज, अगर आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है वो भी आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करके इसे ओपन करें। यहाँ पे अगर आपने फ़ोटो कैमरे से क्लिक करी है तो वो आएगा DCIM फोल्डर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर DCIM फोल्डर है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर कैमरे वाला फोल्डर है, इसमें आएगा। अगर आपने फ़ोटो डाउनलोड करी है तो वो आएगा आपके डाउनलोड फोल्डर में। तो यहाँ पे डाउनलोड नाम का भी फोल्डर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा डाउनलोड नाम का फोल्डर, आप देख लीजिए जो सा फोटो आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोटो है, ये वाला, आप ओपन करके भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो फ़ोटो पर राइट क्लिक करना है जो फ़ोटो आप लेना चाहते हैं, या आप उठा के ऐसे कर लीजिए जिससे ये बाहर आ जाएगी। तो हमारी ये फ़ोटो आ चुकी है। अगर ऐसे नहीं आती है तो आप फ़ोटो पर राइट क्लिक करें। तो हम दूसरी फ़ोटो लेते हैं, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, कॉपी पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको कहीं पर भी आ जाना है, चाहे फोल्डर में या कंप्यूटर की स्क्रीन पे, फिर से आपको राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा वो फ़ोटो भी आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी फ़ोटो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लैपटॉप का फ़ोटो है, हमने इसे यहाँ पर ले लिया है, और ऐसे आप भी इसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।